ये मेरी आसाम जाने की तैयारी हो रही है। कल सुबह 7:30 के बाद हम लोग यहाँ से घर से निकल लेंगे। कल इसी समय से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और अभी तक हम हमारे डेस्टिनेशन यानी कि असम गुवाहाटी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। कल तक शायद मॉर्निंग तक हम पहुंच जाएंगे। आज और रात हमें और कहीं स्टे करना पड़ेगा। अभी हम अयोध्या के पास से गुजर चुके हैं और अभी गोंडा के आसपास पहुंचे हैं। अभी हम गोरखपुर पहुंच गए हैं यानी गोरखपुर बाईपास से निकल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के शहर में। आसाम अभी यहाँ से यानी कि गुवाहाटी अभी 1000 किलोमीटर और यहाँ से बचा हुआ है यानी कि 13-14 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है। जो लगभग कल ही पूरा कर पाएंगे हम लोग यानी कि कल सुबह होते होते वहाँ पहुँचेंगे। आज रात को स्टे कहीं रास्ते में कल करेंगे हम लोग। सबसे मजे की बात तो ये कि जो चाय की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो इंडिया से बाहर चली जाती है यानी कि एक्सपोर्ट कर दी जाती है और जो कचरा रहता है वो इंडिया के अंदर सप्लाई होता है। जबकि सबसे बढ़िया चाय हम लोग उगाते हैं। आज हमें तीसरा दिन हो गया है। रुको राम जी, आज पहुंच जाएंगे क्या गुवाहाटी? आज पहुंचा दोगे क्या? जाएंगे आज तो बार बार सो रहे थे इसलिए लेट हो गए। आज तीसरा दिन चल रहा है हमारा गाड़ी में। पिछले दो स्टे हमने किए हैं, एक लखनऊ में और एक किया सिलीगुड़ी में और आज शाम को हम गुवाहाटी में स्टे करेंगे। अगर आप गुवाहाटी आएंगे तो सबसे पहले आपको NTPCR टेस्ट करवाना पड़ेगा जो बॉर्डर पे ही गवर्नमेंट ने कैंप लगा रखा है। अभी आप देख सकते हैं हमारे विक्रम भैया और करम जी दोनों कोविड टेस्ट के लिए लाइन में खड़े हुए हैं।
जब भी गुवाहाटी आप आएंगे तो सबसे पहले आपको कोविड टेस्ट करवाना होगा। और ये कोकराझार के पास जो बॉर्डर लगती है वहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा टेस्ट के लिए पूरा इंतजाम कर रखे हैं। और अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आइसोलेशन की व्यवस्था है। अभी आप देख सकते हैं मेरा नेगेटिव, ये विक्रम भैया का कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है इनका। दीदी हम तीनों के नेगेटिव हुए हैं। ये हमारे भाई साहब, बाकी हमारे विक्रम भैया बड़े खुश हुए कि रूपाराम जी नेगेटिव आए हैं, जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे थे हमें पॉजिटिव आने के। रात को हमने ब्लू मून होटल में स्टे किया था, उसके बाद अब हम जा रहे हैं माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए। ठीक है ठीक है, मांग लेंगे। ये मेरा थर्ड टाइम है जब मैं कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। इससे पहले मैं 2019 और 2015 में यहाँ पे आ चुका हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तीसरी बार कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पे कार पार्किंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। क्या नाम वीडियो आपका? अच्छा अच्छा, पंडित जी यहाँ की खास बात क्या है, कामाख्या देवी की खास बात क्या है? लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा स्थान है, तांत्रिक शक्ति पीठ है यहाँ से। जागृत है? अच्छा, जागृत है यहाँ पे, मतलब कोई भी तांत्रिक सबसे पहले यहाँ के। जी जी, अच्छा अच्छा, मतलब पहले तांत्रिक बनने के लिए पहले यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा, ये लास्ट है तांत्रिक विद्या की? अच्छा, आपको तांत्रिक विद्या प्राप्ति नहीं होगी? अच्छा, लेने लेनी पड़ेगा।